एसिटिक एसिड या इथेनॉल के गुणधर्म का अध्ययन। हम अपने आहार में अचार, सॉस, चटनी आदि खाते हैं। जब हम ये पदार्थ बाजार से लाते हैं, तब आपके ध्यान में आया होगा कि उनमें अनुज्ञप्त मात्रा में विनेगर डाला होता है। विनेगर का मतलब 4% एसिटिक एसिड, जिसका उपयोग पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। ये एसिड या अम्ल खाद्य पदार्थों को खट्टा अम्लीय बनाते हैं, जिसकी वजह से उसमें उपद्रवी सूक्ष्मजीव बढ़ नहीं सकते। इस प्रयोग में हम एसिटिक एसिड के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें परख नली स्टैंड चाहिए। एसिटिक एसिड, लाल और नीला लिटमस द्रावण, सोडियम बाइकार्बोनेट भी चाहिए। 2 या 3 मिलीलीटर एसिटिक एसिड एक साफ परख नली में लिया, उसका रंग, खुशबू या गंध को लिख लिया। अब इसमें 4 या 5 मिलीलीटर पानी डालकर विरल अम्ल बनाया और इसे बाकी प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया। 2 अलग परख नलियों में दोनों लिटमस द्रावण डालकर रंग में बदलाव को लिख लिया। दो मिलीलीटर एसिटिक एसिड एक परख नली में लिया, उसमें चुटी भर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। होने वाले बदलाव लिखें। निरीक्षण और अनुमान नीचे दिए तालिका में भरें। परीक्षा, निरीक्षण, अनुमान, गंध। विनेगर जैसी खुशबू है, एसिटिक एसिड की खुशबू तीव्र है, पानी में घुलना, एसिटिक एसिड पानी में घुलता है, एसिटिक एसिड घुलने योग्य है। लिटमस पर परिणाम, नीला लिटमस लाल होता है। एसिटिक एसिड सौम्य अम्ल है, लाल लिटमस रंग नहीं बदलता। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रक्रिया, बुलबुलों के स्वरूप में रंगहीन गंधहीन वायु बाहर निकलता है। बाहर निकलने वाला वायु कार्बन डाइऑक्साइड है। वायु चूने में से छोड़ा, पहले चूना धुंधला हो जाता है और फिर रंगहीन होता है। टिप्पणी, एसिटिक एसिड अम्ल होकर भी खाद्य पदार्थों में दुनिया भर इस्तेमाल होते हैं। खाने से भी वह सुरक्षित है, क्योंकि वो बहुत विरल होता है और उसे बनाने की प्रक्रिया सुरक्षित होती है।